कुशीनगर साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बेरोजगारों के 225 अवैध तरीके से रखे गए पासपोर्ट और साइबर टीम ने ठगों से किया जब्त। ठगों के पास से 225 पासपोर्ट, 3 लाख नकद, स्कूटर चित दस्तावेज, 20 फर्जी मुहर, 20 सिम कार्ड, 3 लैपटॉप, 1 मॉनिटर, फर्जी ऑफर लेटर, बिहार नंबर की 1 स्कॉर्पियो और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बेरोजगारों को अपने झांसे में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करते थे ठग। दक्षिण अफ्रीका देश में नौकरी दिलाने के नाम पर किए सैकड़ों बेरोजगारों के साथ ठगी। साइबर सेल की टीम और पुलिस ने 8 ठगों को भी गिरफ्तार किया है। जनपद कुशीनगर में विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे वसूलने वाले गैंग को पकड़ा गया है, जिनके पास से 3 लाख नकद, 225 पासपोर्ट, सैकड़ों वीजास, 20 फर्जी मुहर, सिम कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, लैपटॉप, गाड़ी इत्यादि बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत कुल 24 लाख रुपए है। इस गैंग के टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये गैंग के सदस्य जो हैं बिहार के और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने अपना अपराध का तरीका इस तरीके से बताया कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से ये लोग प्रचार करते हैं। एक जय अंबे कंसल्टेंसी खोली थी इन्होंने और उसके माध्यम से लोगों को बताया कि हम आपको विदेश भेजेंगे। इस केस में वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है बेनिन, वहां के लिए बात थी। हर कैंडिडेट से 55,000 रुपये की बात हुई थी, जिसमें कि वीजा के बाद कुछ पैसा और टिकट के बाद में कुछ पैसा देने की बात हुई थी। ये लोग 225 लोगों के पासपोर्ट अपने पास जब्त कर लिए थे, ये कह के कि हम आपको भिजवाएंगे विदेश, जबकि 2-3 महीने तक हो चुके थे और ये पासपोर्ट भी जब्त पड़े थे। वीजा ये लोग एक फेक वीजा बनाते थे, वो प्रोवाइड करते थे जो ये पीड़ित है उनको, और साथ ही साथ सिम कार्ड भी फर्जी रखे हुए थे, अपना नाम भी बदल के ये लोग कार्रवाई कर रहे थे। इसी कड़ी में ये लोग फेक मेडिकल भी कराते थे, जो कि कैंडिडेट से 5,000, 4,000, 8,000 तक रुपए लेते थे और एक फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र 500 रुपए का वो उनको जारी करते थे। साथ ही साथ ये लोगों का टाई अप अन्य जगहों से भी था, जिसके माध्यम से ये काम करते थे, और इनके पास से लैपटॉप भी बरामद हुआ है, जिसके माध्यम से ये लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से एडिट करके वीजा वगैरह बनाते थे। इस गैंग के पास से काफ़ी मात्रा में पैसा और एटीएम और पासपोर्ट्स बरामद हुए हैं। ये गैंग के कुछ सदस्य हैं, ये पहले भी एक्टिव रहे हैं रांची झारखंड में, बिहार में भी इसी तरह की कंसल्टेंसी खोल के पटना में ये लोग फ्रॉड कर चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पडरौना में आकर यहाँ पे इन्होंने एक कंसल्टेंसी खोल के इस तरीके का कृत्य करने का प्रयास किया। इस कार्य को करने वाली इसमें सफलता मिली हमारी साइबर थाने की टीम है, रविंदर नगर धूस जो थाना प्रभारी है उनकी टीम है, और हमारे अन्य जो पुलिस के कर्मचारी है उन्होंने तत्परता से इस पे कार्य करते हुए जांच कराकर ये बड़ी रिकवरी कराई है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 20,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ विदेशों में नौकरी का झांसा देने वाले ये फर्जी गैंग के ऊपर गैंगस्टर से लेके अन्य कार्रवाई भी की जाएगी, और जो अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। जिले में कई जगह जो है ऐसे बोर्ड लगा अपना जो है कबूतरबाजी का, ये जो भी हमें पीड़ितों से जो सूचना प्राप्त हुई, गोपनीय सूचना कुछ प्राप्त हुई, उस पर हमने कार्रवाई कराई है, और ऐसे जो भी गैंग अगर सक्रिय हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, जनता को के साथ ठगी का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ इस पूरे में जो पीड़ित है वो कई जनपद हैं आसपास पूर्वांचल के, उससे संबंधित है, और साथ ही साथ बिहार के कई जनपद गोपालगंज, सिवान, छपरा इत्यादि जनपदों से भी हैं, और भी ऐसे जो कंसल्टेंसी होगी उनके खिलाफ हमारा आगे अभियान चलता रहेगा।